ऑसम मजेदार वाला इवेंट होने वाला है, जिसमें पापा हैं किचन में। और पापा क्या बना रहे हैं? आवाज सुन कर पापा बना रहे हैं पाव भाजी। ये यहाँ से रेसिपी देख देख के पापा रुक जाओ दो मिनट, इसकी आवाज सुन करो ना। हाँ, ये पापा पाव भाजी बना रहे हैं, मसाला रेडी करेंगे। पापा ने बॉईल तो कर लिया है, देख देख के। अभी मैं छत पे आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पीछे कितना अच्छा है। ये देखो पहाड़ी दिख रही है आपको, कितनी प्यारी। मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, इतनी तेज रोशनी हो रही है। पीछे जो पहाड़ी दिख रही है देखो कितनी प्यारी है। और बारिश के टाइम पे ये इतनी अच्छी हरी भरी हो जाती है, और दिन भर इतनी प्यारी हवा चलती है यहाँ पे, ऑसम वाली मज़े आ जाते हैं। ये देखो बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। हेलो बेबी, हाँ क्या खेल रहे हो? ओ छुपन छुपन खेल रहे हो आप? छुपो तो ये एक अकेला छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बाकी सब आइस वाटर खेल रहे हैं। हम जब छोटे थे ना तो हम भी ये खेलते थे, बहुत ही मज़े आते थे स्कूल में फ्रेंड्स के साथ। फिर घर आने के बाद वहाँ पे हम लोगों का क्या बचपन में हमने बहुत सीरियसली जितना मज़े किए ना शायद ही किसी ने किए होंगे, क्योंकि आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे। वहाँ पे ऐसा मस्त वाला ग्रुप होता था बच्चों का, और बहुत ही ऑसम, मतलब 4-5 बजे सब इकट्ठे हो जाते थे सारे फ्रेंड्स, और उसके बाद ऐसे धमाल मचाते थे हम लोग मिलके। लेकिन बस इसका ये ड्रॉबैक था हाँ, कि जो वो बचपन वाले फ्रेंड्स थे ना, क्योंकि सब अलग 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 जगह चले जाते हैं, तो वो बचपन वाले जो फ्रेंड्स थे ना हमारे, अब वो मतलब टच में ही नहीं रहे, क्योंकि सब अलग अलग जगह चले गए, और हर 3 साल में पोस्टिंग, हर 4 साल में पोस्टिंग, तो वो वाला जो फ्रेंड सर्कल था वो चला ही गया। आप कहीं पे पता ही नहीं कहाँ है अभी सब। चलो बाय बाय, टाटा, बाय करो बाबू, नानी से बाय बाय। वो दादा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? राजबना। राजबना का रोज का यही काम है, एक बार ये नानी के पास जाता है, एक बार ये दादी के पास जाता है। आज किस किस पास जा रहे हो आप? दादू सर के पास। और कल किसके पास आए थे आप? नानी जा के पास। नानी जा के पास आपका यही काम है घूमने का दिन भर? वापस अपने घर। पीहू खेलने गई थी, इसका बिल्कुल मन नहीं था आने का। इसका कैसे थी? 100 लगा लो। अरे भैया तो 1 किलो करना, ये बता दे। हो गए 1 किलो क्या? 100 रुपए के 2 किलो है? नहीं 100 रुपए का उसने बोला 1 किलो। इससे पूछो जब एप्पल, इसके केले अच्छे नहीं है इसके पास। पपीता इसके पास मिल जाएगा? हाँ इसके पास पपीता अच्छा है। लेके आओ, आप लेके आओ। नहीं जाओ लेके आओ, मुझे उतरने के लिए बोलते हो। लो उसको एप्पल आप लेके आओ। पागल हो क्या, कैसी बातें करते हो? एप्पल खाएंगे क्या? जो रेट है वो रेट आप ही बोला था बेबी, उसके पास जाओ, उसके पास अच्छे है। तो बेबी तो ले ही आई। अब यार यही रेट था, मैं क्या करूँ इसमें, उसने यही बोला कि यही रेट है। है लूट लिया मेरी बीवी को। तो हम घर पहुंच गए हैं, और आते ही मेरे पति देव ने मेरे लिए बहुत सारा काम तैयार रखा है, तो अब हम लगेंगे इसमें। कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं आज हम, तो बताते हैं क्या है वो चीज, स्पेशल चीज जो आज हम बनाने वाले हैं, जिसकी सारी प्रिपरेशन इन्होंने करके रखी है पहले से ही। लाल मांस। दिस इज लाल मांस, राजस्थानी लाल मांस। ओके, तो ये है हमारा आज का सरप्राइज। इनसे अच्छा इवन मतलब जो रेस्टोरेंट वाले हैं या फिर जो प्रॉपर कुकिंग चैनल्स हैं, आई गेस वो भी इनसे अच्छा नहीं बना सकते होंगे। ये इतना यम्मी एंड डिलीशियस बनाते हैं, जब से इन्होंने बनाना सीखा है ये, उसके बाद से हमें बाहर का तो पसंद ही नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे छत पे बना रहे हैं,
ये, क्योंकि किचन में अलाउड नहीं है, किचन में नहीं बनाते हैं हम, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं छत पे बैठ के। कितनी देर में बनेगा ये? अच्छा अभी वही पकाया है क्या? हाँ पक गई शायद। और आज का मौसम कितना ऑसम है। हाँ अंधेरा हो गया है। हाँ। और कल पीहू का एग्जाम है, पीहू जाके स्टडीज करो, गो। ओके। और मेरा राजा भी तो कहाँ था इतनी देर, कहाँ थे आप दोनों? अंगूठा ले लेते। अंगूठा ले लेते, क्यों ले लेते? ये अंगूठा ले रहा था, नहीं लेना चाहिए। सॉरी बोलो सबको, बोलो सॉरी, ऐसे सॉरी बोल दिया। हम खाना आज हम कहाँ बना रहे हैं खाना? छत पे। हम छत पे खाना बना रहे हैं। और बीटू खाना कहाँ खाएगा आज? छत पे। ये नेक्स्ट डे। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं फ्रेश बेकर्स में, यहाँ पे हम किसी से मिलने आए हैं, दिखाते हैं हम आपको हम किससे मिलने आए हैं। हम आए हैं इनसे मिलने के लिए। ये अपने जयपुर में पहले इवेंट करा चुके हैं और अब हम साथ में मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो कि आपको हम बहुत ही जल्द बताएंगे। तो ये जो ये कैफे है, बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा कैफे है। चलो आपको कैफे दिखाएं पूरा। ये है किचन और यहाँ है ये चीज़ें, ये चीज़ें हैं यहाँ, यहाँ भी वही है। और अभी हम यहाँ पे आए थे तो हमने एक बहुत ही प्यारी सी जगह देखी, मिनी मार्केट, तो हमें बहुत अच्छी लगी है। इनका कैफ़े भी है और ये मार्केट भी है जहाँ पे पीयू को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। हाँ आ रही है पसंद? लेना है? नहीं। और हम भी यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं, छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं है ना। तो ये है कौन सी रोड, मिनी मार्केट रोड के नाम से है ये जगह। तो आप चाहे तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं जो भी चीज़ें आपको पसंद आए, ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह सब कुछ इनके पास रहते हैं। तो आप भी यहाँ पे आके अपनी जो मंथली शॉपिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी मैं मिलके आई हूँ सुरभि भाई सर से और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उनसे क्यों मिलने गई थी। दिस इज़ रिगार्डिंग एन इवेंट जो मैं इस संडे को करने वाली हूँ, 26th को गोकुलपुरा जो है झुटवाड़ा एरिया पे, वहाँ पे हमारा ये इवेंट है, ये जिसमें लगभग 100 से ऊपर लेडीज़ आने वाली हैं और ये बहुत ही awesome मज़ेदार वाला इवेंट होने वाला है जिसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत ही जो फेमस यूट्यूबर्स हैं या फिर इंस्टाग्रामर्स हैं वो लोग आने वाले हैं एज अ स्पेशल गेस्ट, और आप सब भी आ सकते हैं वहाँ पे। और इसकी सारी डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी है और मैं यहाँ पे भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि ये इवेंट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है ये और बहुत सारे मस्ती सब लोग हम करने वाले हैं और इसके बहुत सारे गेम्स होंगे, रैम फॉक होंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत सारे धमाल मचाने वाले हैं हम सब साथ में मिलके। तो अगर आप चाहें तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस इवेंट का पास बन सकते हैं, बट दिस इज़ जस्ट फॉर गर्ल्स एंड लेडीज़। और उनसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने उनसे क्योंकि उन्होंने पहले इवेंट करा चुका है, मेरा ये फर्स्ट इवेंट है, मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मुझे मेरे इस इवेंट में, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और उनसे मिलके सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अभी हम शाम को जो हमारा वेन्यू है वहाँ पर भी जाने वाले हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारा वेन्यू क्या है और क्या खास बात है उस वेन्यू के बारे में। दैट विल ऑल्सो बी रिवील्ड, सो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, तो ये है हमारा वेन्यू जहाँ पे हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। लुक एट द प्लेस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़।
कितना प्यारा ये जगह है, कितनी प्यारी सुंदर ये जगह है। और इस इवेंट में आके आप लिटरली बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत सारा फन होगा, बहुत सारा डांस होगा, गेम्स होंगे अलग अलग टाइप के। तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवाएं एंड इस इवेंट का पार्ट ज़रूर 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 बने। और इस इवेंट का जो पोस्टर रिलीज़ है वो होने वाला है वेडनेसडे को, तो अगर आप पोस्टर रिलीज़ का पार्ट भी बनना चाहते हैं तो आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पोस्टर रिलीज़ जो है वो सिर्फ बाय इनविटेशन है, तो वेडनेसडे को होगा ये। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी। हाँ चलो। और कैसा लगा ये जगह आपको? मस्त। असम। मुझे हाँ। भी बहुत प्यारी लगी ये जगह, बहुत ही सुंदर जगह। मम्मा पर मेरे को ना और यहाँ पे हम अपना कैटरिंग का लगाएंगे सारा इस गार्डन में। सारा सिटिंग वहाँ पे होगा आगे, तो बहुत ही अच्छा बनने वाला है ये इवेंट, है ना भी? हाँ। तो ये है ट्रिप्टी कैफे और ये है मिलन शॉर्ट्स। और यहाँ पे गोकुलपुरा में बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पे जो भी एल्बम शूट्स हैं वो होते हैं और उसके अलावा प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। और अब होगा हमारा इवेंट ये।